प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 100 खबरों की। केरल नीट कंट्रोवर्सी में दो और शिक्षक गिरफ्तार, अब तक कुल 7 लोग अरेस्ट किए गए। त्रिपुरा के सीएम माणिक साह हुए कोरोना पॉजिटिव। 9 राज्यों में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 24 घंटे में 17,278 नए केस मिले। बीएसएफ को ज्यादा पावर देने से नहीं होगी समस्या, बोले मंत्री नित्यानंद राय। बंगाल और पंजाब शंकाएं निराधार। नूपुर शर्मा की हत्या की साजिश के पीछे पाकिस्तानी संगठन, सीमा पार से भेजा आतंकी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में शरद पवार ने एनसीपी के सभी विभागों और प्रकोष्ठों को किया भंग, नहीं बताया कोई कारण। मध्य प्रदेश में बजरंग दल के नेता पर जानलेवा हमला, नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर कुछ लड़कों ने घेरा, धारदार हथियार से जख्म दिया। कर्नाटक के टोल बूथ पर पलटी एम्बुलेंस, 4 की मौत। गाय को बचाने के लिए ब्रेक लगाया, सड़क पर पानी होने के कारण फिसली। सिंधिया को सीट से उठाकर पीछे बैठाने का वीडियो वायरल, लास्ट लाइन में दिखे सिंधिया। कांग्रेस ने कहा पहले से पीछे थे और पीछे भेज दिया। रेलवे ट्रैक पर जान जोखिम में डालने का वीडियो आया सामने, तेज रफ्तार ट्रेन के सामने से निकली महिला। आईएएस ने लिखा जिंदगी आपकी, फैसला आपका। राजस्थान में अवैध खनन से दुखी संत का आत्मदाह, 80% झुलसे बाबा विजय दास। 551 दिन से चल रहा आंदोलन खत्म। सिद्धू मूसेवाला मर्डर के 2 संदिग्ध को पुलिस ने मार गिराया अमृतसर के पास, 4 घंटे चला एनकाउंटर। होटल में महिला के साथ क्या कर रहे हो नाना पटोले, वायरल वीडियो पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष से बीजेपी का सवाल। सूरत पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, कहा गुजरात के लोग प्रदेश में 27 साल की बीजेपी सरकार से थक चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साधा तेलंगाना सरकार पर निशाना बताया, विफल सरकार नहीं बांटा गरीबों को राशन। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान, अगले 3 दिन तेज बारिश की उम्मीद। राजस्थान में 4 डिग्री तक पारा गिरा। एटा में नकली दूध घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3.5 लाख का सामान बरामद, 3 हिरासत में, आगामी त्योहारों में खापने वाले थे। दलित बस्ती में पथराव और मारपीट का मामला, सुल्तानपुर पुलिस ने दोनों पक्षों से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। युवती के चेहरे को पहले ब्लेड से चीरा, फिर गला काटकर हत्या, अंबेडकर नगर में 24 घंटे के अंदर हुई 3 हत्याओं से दहशत। चॉकलेट चोरी का वीडियो वायरल, 4 लड़कों ने शातिरी के साथ दिया वारदात को अंजाम, बुजुर्ग विकलांग महिला को ठगा। पौराणिक
ऐतिहासिक महत्व से हंसकूप पर अवैध कब्जा, क्रिया योग आश्रम के संत योगी सत्यम पर लगा आरोप, डीएम ने जांच बैठाई। एसटीएफ ने एमटीएस परीक्षा के 6 सॉल्वर को किया अरेस्ट, बहनोई की जगह परीक्षा देने आया था सॉल्वर, 7 एग्जाम देने के बाद पकड़ा गया। बकरी की जान बचाने वाले मुर्गे का अंतिम संस्कार, प्रतापगढ़ में मालिक ने की 13वीं भोज, 500 लोगों ने खाई पूड़ी, चावल और पनीर। ज्वेलरी शॉप में लूट के आरोपी बाप बेटी, दामाद गिरफ्तार, कोरोना के चलते गई थी नौकरी, कर्ज चुकाने के लिए कर रहे थे चोरी। झांसी के पंचकुया मंदिर के पास कुएं में मिली लाश, 20 दिन पहले भी एक लाश मिली थी, अब तक नहीं हो पाई शिनाख्त। बांदा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, घर के पास मैदान में खेल रहा था किशोर, आकाशीय बिजली गिरी। मायके से नहीं जाने पर पत्नी और सलहज की हत्या, भाभी की डिलीवरी कराने आई थी महिला, पत्नी को बुलाने ससुराल गया था युवक। भदोई में बिजली बिल के बकाए पर सख्त हुआ विभाग, 50,000 से अधिक बिल बकाएदारों को जारी हुई आरसी। नगर निगम ने दोना बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा, 2 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, 1.5 क्विंटल प्लास्टिक से बने सामान को किया जब्त। दलित महिला के घर के बीच बना दिया नाला, फतेहपुर में प्रधान और बीडीओ की मिली भगत से परेशान है महिला। बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों तरफ से खून हुआ, खूब हुआ पथराव, 24 लोग हुए घायल, 2 कुट में पहले से था विवाद। मेरठ पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से 15,000 का इनामी घायल, वाहन चोरी में था फरार। आगरा पुलिस की ओपन बार पर कार्रवाई, खाकी देख, गाड़ियां छोड़ भागे शराबी, 1 दर्जन गाड़ियां सीज, दुकानदार को चेतावनी। बिल्डर की दगाबाजी से कर्ज में डूब गया था कॉन्ट्रैक्टर, रुपए मांगने को दबाव बनाया तो मिली मौत, बिल्डर और उसका मुनीम को भेजे जाएंगे जेल। तेज रफ्तार मारुति वैन सीडीएम से भिड़ी, हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर, कानपुर के थे सभी। हरदोई में टॉर्च की रोशनी में करवाया गया पंचायत चुनाव का नामांकन, डीएम ने लगाया लिया संज्ञान, बीडीओ से मांगा मामले पर स्पष्टीकरण। गायों ने आटा समझकर खाया, भीतर निकला बम, 6 का फटा जबड़ा, 2 गंभीर, चित्रकूट के मानिकपुर का मामला। देवरिया में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, घर वाले शादी को तैयार नहीं थे, 3 दिन दोनों घर से भागे थे। ललितपुर में सड़कों पर उतरे मोहल्लावासी, मंदिर समिति की तोड़ी गई दीवार, अफवाह फैलाने पर लगा दिया जाम। शाहजहांपुर में बंद पड़े मकान से लाखों की चोरी, आईसीयू में भर्ती मां के पास रुक गया बेटा, चोरों ने 30 लाख का माल उड़ाया। जालौन में रामपुर और माधौग इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, अवैध खनन करवाने का आरोप, 13 निरीक्षक और उप निरीक्षक भी बदले।
प्रयागराज में कुकर बम की सूचना से अफरा तफरी, बम डिस्पोज यूनिट ने किया चेक, कुकर के अंदर निकला लाल कपड़ा। गोरखपुर में पति ने पत्नी पर चढ़ाई कार, बेटे को रौंद कर मार डाला। गोरखपुर में शराब पीकर घर आया था प्रॉपर्टी डीलर, हत्या कर बोला मैं भी जान दूंगा। ग्रेटर नोएडा में करंट से चला ड्राइवर वीडियो वायरल, बिजली का तार ट्रक से टच कर गया, कंपनी से माल लोड करके निकला था। मऊ सड़क हादसे में एक की मौत, दो बाइक आमने सामने टकराई, एक घायल, सिर में चोट लगने से गई जान। अमेठी में आकाशीय बिजली गिरने से दो की मौत, बारिश के समय जानवर चराते हुए दो घटनाएं, परिवारों में मचा कोहराम। ऋषिकेश कार को बचाने के चक्कर में पलटी 35 गाड़ियों से भरी बस, शीशा तोड़कर निकाले 24 यात्री। देहरादून में ईडी दफ्तर के बाहर आज कांग्रेस का प्रदर्शन, विपक्षी दल के नेताओं के उत्पीड़न का आरोप। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर निकलेगी पैदल कांवड़ यात्रा, मंत्री रेखा आर्या भी होंगी शामिल। ऋषिकेश के बैराज जलाशय से मिला किशोर का शव, जन्मदिन का जश्न मनाते हुए नीम बीच पर डूबे थे तीन दोस्त, तस्वीर आई सामने। चारापत्ती विवाद को लेकर घास की गठरी, दरांती संघ महिला कांग्रेस का हल्ला बोल, महिला आयोग ने दिए कार्रवाई के निर्देश। बद्रीनाथ हाईवे पर हादसा, रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने से मलबे में दबे 8 मजदूर, 2 की मौत। उत्तराखंड के कलियर की युवती से पंजाब में सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण कर दिया वारदात को अंजाम। उत्तराखंड में बांध बैराज पर काम करने वाले कर्मियों की छुट्टियां रद्द, सायरन से दी जा रही पानी बढ़ने की सूचना। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, बंद रहेगी हेमकुंड साहिब की यात्रा। उत्तराखंड में छात्रा को ऑफिस में बुलाकर प्रबंधक ने की घिनौनी हरकत, चंगुल से छूटकर भागी बच्ची, फिर सामने आया पूरा सच। उत्तराखंड में छात्रों की जेब पर पड़ा भार, अब हॉस्टल के कमरों पर देना होगा 12% जीएसटी, विभाग ने शुरू किया सर्वे। पंचक खत्म होते ही नीलकंठ महादेव मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, 4 लाख से अधिक ने किया जलाभिषेक। उत्तराखंड के घांघरिया में फटा बादल, हेमकुंड साहिब यात्रा रोकी गई, एसडीआरएफ टीम रवाना। रेप पीड़िता से एसओ ने की शारीरिक संबंध बनाने और 5 लाख रुपए की मांग, डीजीपी को भेजा शिकायती पत्र, सस्पेंड। उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ सकते हैं बिजली के दाम, ऊर्जा निगम ने भेजा प्रस्ताव, अप्रैल में था 2.68% का इजाफा। यूएस पहुंची यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का, अमेरिकी सांसदों से मांगा सपोर्ट, कहा रूसी आतंक को रोकने में हमारी मदद करें।
श्रीलंका की बदहाली की वजह से चीन, सीआईए चीफ बोले कर्ज के जाल में फंसाने की चीनी साजिश का शिकार बना श्रीलंका। यूएन में भारत ने आतंकी गतिविधियों में बच्चों की बढ़ती संलिप्तता पर चिंता जताई, कहा मौजूदा हालत खतरनाक। यूक्रेन से जारी जंग में अब तक मारे गए 15,000 रूसी सैनिक, 45,000 से अधिक हुए घायल, अमेरिका का दावा। मुश्किल में फंसे श्रीलंका को मिला नया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद के रूप में रानिल विक्रमसिंघे ने ली शपथ, विरोध के बीच विक्रमसिंघे ने जीता चुनाव। ब्रिटिश पीएम बनने से एक कदम दूर सुनक, पांचवें राउंड में ऋषि को 137 वोट मिले, लिज ट्रस 113 मतों के साथ दूसरे नंबर पर रही। रानिल के राष्ट्रपति बनते ही जनता फिर सड़कों पर, श्रीलंका में सांसद वाले विक्रमसिंघे को राजपक्षे ने मोहरा बनाकर गद्दी पर बैठाया। रूस और ईरान के बीच 40 अरब डॉलर का समझौता, खामनेई बोले नाटो के कारण शुरू हुई यूक्रेन में जंग। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामलों की पुष्टि की, मंकी पॉक्स से अफ्रीका में 5 लोगों की मौत। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 9 लोगों को विद्रोही बताकर मार डाला, बीएलए ने कहा निर्दोषों की हुई हत्या। देश में अच्छी हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी का असर, 7 साल वाला रिकॉर्ड टूटा, अप्रैल जून में टॉप पर 7 शहरों में मकानों की बिक्री 246% बढ़ी। सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट में नहीं मिलेगी छूट, रेल मंत्री बोले छूट देने से रेलवे पर पड़ रहा बोझ, इसलिए इसे फिर से शुरू करने का इरादा नहीं। एफआरएल ने 5,322 करोड़ की नहीं चुकाए फ्यूचर, रिटेल पूरी तरह कंगाल, एनसीएलटी ने दिवाला कार्यवाही को मंजूरी दी। Vivo T1X स्मार्टफोन लॉन्च, 50 MP सुपर नाइट कैमरे से रात में भी शानदार फोटो आएगी, कीमत 11,999 से शुरू। ब्रिटेन में महंगाई की मार से आम लोग परेशान, 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति। रुपए में गिरावट थमने को 100 अरब डॉलर बेचेगा आरबीआई, 4 माह तक मिलेगा सहारा। ईटीएच के क्रिएटर विटालिक बटेरियन ने की शिबा इनू कम्युनिटी की तारीफ, शिबा इनू कम्युनिटी को एक ट्वीट के रिप्लाई में धन्यवाद कहा। बिटकॉइन को एक बड़ा झटका, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने क्रिप्टो में निवेश 75% घटाया। इटली के रेगुलेटर ने दी क्रिप्टोकॉम एक्सचेंज को सर्विसेज शुरू करने की अनुमति। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने बेच दिए 936 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन, डोज कॉइन पर भी लिया बड़ा फैसला। टी20 इंटरनेशनल करियर के पहले ओवर में ली हैट्रिक, न्यूजीलैंड के ब्रिस विल ने 5 रन देकर 3 विकेट लिए, ऐसा करने वाले पहले बॉलर बने। क्रिकेट के बिजी स्केड्यूल पर घमासान, रवि शास्त्री बोले द्विपक्षीय टी20 कम करो, फ्रेंचाइजी क्रिकेट बढ़ाओ।
टीम इंडिया के लापता खिलाड़ी ने बरपाया कहर, इंग्लैंड में सुंदरकांड के बाद छोड़ा अपना असर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में किया कमाल, दूसरी बार फाइनल में बनाई जगह। स्टोक्स के संन्यास के बाद वनडे क्रिकेट को खत्म करने की मांग, अकरम बोले इसे जबरन खींच रहा है। ۱۰۸ साल बाद पुजारा ने रचा इतिहास, सक्सेस के लिए तीसरी डबल सेंचुरी लगाई, लॉर्ड्स में दोहरे शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने। श्रीलंका में नहीं होगा एशियाई कप, एशियाई क्रिकेट परिषद ने कहा यूएई के साथ भारत भी प्रबल दावेदार। डिकवेला की धोनी जैसे स्टंपिंग, पलक झपकते ही बिखेर दी गिल्लियां, बैटर देखता रह गया, पाक रिकॉर्ड रन चेंज के साथ जीता। सौरव गांगुली और जय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, बीसीसीआई ने दाखिल की थी याचिका। कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने से पहले भारत को झटका, स्टार खिलाड़ी धनलक्ष्मी और ऐश्वर्य टेस्ट में फेल। शमशेरा के डायरेक्टर ने संजय दत्त को बताया सुपरमैन, करण मल्होत्रा बोले हमें शूटिंग के दौरान नहीं पता था कि वो कैंसर से लड़ रहे हैं। विजय देवरकोड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाइगर का ट्रेलर आउट, फिल्म में माइक टायसन कैमियो में नजर आएंगे। पुष्पा 2 में मनोज बाजपेयी की एंट्री, फिल्म में पुलिस ऑफिसर के किरदार के लिए मेकर्स ने किया अप्रोच, एक्टर ने बताया अफवाह। द ग्रे मैन के प्रीमियर में धोती पहनकर पहुंचे धनुष, साउथ सुपरस्टार ने विकी कौशल को देखते ही लगाया गले, वीडियो हुआ वायरल। राणा जंग बहादुर की जमानत याचिका खारिज, टीवी शो में भगवान वाल्मीकि पर टिप्पणी, जेल जाने से पहले मांगी थी माफी। कंगना का वायरल वीडियो, इमरजेंसी के सेट पर अनुपम खेर ने कंगना रनौत को खिलाया उनका पसंदीदा कढ़ी चावल। या अली गाने के सिंगर अस्पताल में भर्ती, जुबेन गर्ग को बाथरूम में गिरने से सिर में लगी चोट, एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी के हॉस्पिटल में किया एडमिट। रणबीर को आमिर खान की एडवाइस न मानने का अफसोस, एक्टर बनने से पहले पूरा भारत घूमने की दी थी सलाह। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी विवादों में घिरी, कांग्रेस ने कहा इंदिरा गांधी की इमेज खराब करने की कोशिश। किच्चा सुदीप को हुआ कोरोना, डॉक्टर्स की सलाह के बाद घर पर क्वारंटाइन हुए कन्नड़ स्टार विक्रांत, अरोना के प्रमोशन में थे बिजी। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस